हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको 5, 25 और 125 इस नंबर से डिवीजन किस तरह से करते हैं वो ट्रिक मैं आज आपको सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए यहाँ पर हमें 74 को 5 से डिवाइड देना है, लेकिन एक ट्रिक से हम इसे डिवाइड देंगे। हम क्या करेंगे, हम इधर 2 से मल्टीप्लाई देंगे, 74 को 2 से मल्टीप्लाई देंगे। तो क्या आंसर आएगा, 4 2 8, 7 2 14, 148 इसका आंसर है। लेकिन यहाँ पर हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है, लेकिन कौन सी प्लेस पे लगाएंगे, 8 के बाद, 4 के बाद या 1 के बाद। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें नीचे भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 5 2 क्या होते हैं, 10 होते हैं। 10 में 0 कितने हैं, 1, यानी जो डेसिमल पॉइंट है वो 1 के बाद यानी 8 के बाद लगेगा। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ पर 17 को 5 से डिवाइड देना है तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई देंगे। 17 2 कितने होते हैं, 34 होते हैं। तो 5 से अगर हमको डिवाइड देना है तो डायरेक्टली हमको याद रखना है कि 1 नंबर के बाद ही हमको डेसिमल पॉइंट लगाना है। ये बहुत ही फास्ट ट्रिक है, इस ट्रिक के जरिए हम बहुत ही इजीली डिवीजन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको 25 से किस तरह डिवाइड देते हैं वो बताऊंगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें 63 को 25 से डिवाइड देना है, तो यहाँ पर आपको ऊपर जो नंबर होगा यानी 63 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 63 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आता है, 4 3 12, 4 6 24 यानी 25 252। तो यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाएंगे, तो यहाँ पर देखो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आएगा, 100। 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 0, यानी डेसिमल पॉइंट 2 नंबर के बाद लगेगा, 1 2, यहाँ पर आपका डेसिमल पॉइंट लगेगा और ये आपका आंसर है। तो एक और एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पर हमें 81 को 25 से डिवाइड देना है तो ऊपर हम 4 से मल्टीप्लाई देंगे। 81 को 4 से मल्टीप्लाई देने पर क्या आएगा, 4 1 4, 4 8 32। तो आपको 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है, ये आपका आंसर है। ये बहुत ही फास्ट ट्रिक है। तो चलिए अभी 125 से डिवाइड किस तरह देते हैं ये देखेंगे। तो यहाँ पर हमें 9 को 125 से डिवाइड देना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर जो नंबर दिया है उसे हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 9 8 कितने होते हैं, 9 8 होते हैं 72। लेकिन यहाँ पर हमें डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाना है, तो 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है, 1000। 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 0 होते हैं। तो हमको पॉइंट भी 3 डिजिट के बाद ही लगाना है, जैसे 1 2, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ पर आपका डेसिमल पॉइंट आएगा, तो ये आपका आंसर है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पर हमें 302 को 125 से डिवाइड देना है तो हम ऊपर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आंसर आएगा, 8 2 16, 0 है तो 16 जैसे वैसे लिखेंगे, 8 3 24। तो अभी हमको यहाँ पर पॉइंट लगाना है तो 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आएगा। तो इस तरह से हम बहुत ही फास्ट मेथड से इसका डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो इस तरह से और भी मैं आपके लिए ट्रिक वाली वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।